इतना समझ लीजिए कि उनके अंदर इतना ज्यादा ये एटीट्यूड था ना दीदी, बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड था, पैसे का था, किस चीज का था, अब वो जाने, हम लोग को तो नहीं पता। बहुत ज्यादा मतलब हवा भी है लेकिन गर्मी भी हो रहा है। और देखो क्या क्या लगाया है आज मेकअप में, इधर से हवा है दीदी, इधर आ जाइए। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्यूट से खास से ब्लॉग में। तो देख लो मैं लोकेशन पे आई हूँ, इधर देखो मुझे देख के पता नहीं चलेगा, लोकेशन देखना पड़ेगा। देखो कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। तो हम लोग सुबह का ही आए हैं, ठीक है, और आते ही सबसे पहले मैं रेडी हो रही हूँ हमेशा की तरह। तो देख लो आज साड़ी पहना है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी रेडी हो रही हूँ, रेडी होने के बाद पहले शूट करेंगे क्योंकि नवरात्रि है ना, तो बहुत ज़्यादा सॉन्ग बज रहा है, बहुत ही धूम धड़ाका है अभी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये देख के। लेकिन मुझे जल्दी जल्दी शूट भी करना है, शूट करने के बाद घर भी जाना है क्योंकि दीदी आज फिर से व्रत है, दूसरा दिन है आज इनका, तो घर भी जाना है, इनको भी कुछ खिलाना है। तो बाकी ब्लॉग में आगे तक बने रहिए, फिलहाल मैं जा रही हूँ जो बाकी का मेकअप है उसे कंप्लीट करने और उसके बाद शूट करेंगे और फिर बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है, तो आगे तक बने रहो। तो फ्रेंड्स मेरा लाइनर, ये आई लाइनर है, लाइनर भी बोल रही हूँ, हाँ लाइनर भी बोल सकते हैं, आई लाइनर है, देखो कैसा है। ये हमने ऑनलाइन मंगाया है अपने भाई के फोन से देखो कैसा है, ये भी खत्म हो गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब हवा भी है लेकिन गर्मी भी हो रहा है। फ्रेंड्स फाइनली सूट हो गया है मेरा, ठीक है, और देख लो आज का गेटअप, हमेशा आधा आधा दिखा दूंगी ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि साड़ी जो है सही से पहना है या नहीं। अच्छा पहना है, बहुत अच्छा पहना है, आदत हो गया है तो। आदत पता है आज हमको लग रहा है कि उल्टा साड़ी पहने हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, देखिए बहुत अच्छा बनी। और देखो क्या क्या लगाया है आज मेकअप में, इधर से हवा है दीदी, इधर आ जाइए। देखो ये नेकलेस है, इसका इयर रिंग सेट है, और ये वाला भी एक नेकलेस है ब्लैक कलर का जो कि एक बार मैंने पहना था ना दीदी, पूरा सेट डायलॉग था बोला तो उसपे पहना था मैंने, इसको मैंने नीचे रखा है क्योंकि जो एक्ट्रेस है उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया है तो मुझे भी लगा करना चाहिए, मेरे पास है तो। और देखो आज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, झुंडी वाला, हाँ झुंडी वाला नथनी पहना है मैंने, बताना कमेंट में कैसे लग रही हूँ। और आज का फ्रेंड्स हेयर स्टाइल बहुत ही चेंज है, आप लोग बोल रहे हो ना कि हेयर स्टाइल किया करो, सिर्फ ओपन नहीं, ओपन भी करो लेकिन हेयर स्टाइल बनाया भी करो, तो आज कुछ ट्राई किया है, देखो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रहा सेम चूड़ी, ये तो बहुत पहले का मेरा चूड़ी है, बहुत बार शूट कर चुकी हूँ, आप लोग देखे होंगे। तो यही था मेरा फाइनल लुक, और साड़ी मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा सा इधर उधर पहन लिया मैंने जल्दीबाजी में, गाड़ी में आते हैं ना तो इधर उधर हो, हाँ, जाता है, गाड़ी में बैठ के आई हूँ ना तभी मेरा पूरा साड़ी खराब हुआ है, लेकिन फिर भी लग रही हूँ कि नहीं अच्छा अच्छा लग रही हूँ, पिंक परी, पिंक परी। बाकी ब्लॉग में आगे तक बने रहिए, ठीक है, चलते हैं घर और दिखाएंगे बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो मैं घर पे आ गई हूँ, और देखो कितना अच्छा जो पूजा घर है हमारा, इसको हमने बनाया है ये पूजा घर भी है, और इसी घर में हम लोग रहते भी हैं, एक ही रूम है फ्रेंड्स, एक ही रूम, इसीलिए देखो माता रानी के लिए ना ये इसको क्या बोलते हैं दीदी, इसको पीढ़ा, तो माता रानी के लिए ना पीढ़ा आया है ताकि माता रानी को उस हम लोग रख सके, नीचे रख रहे थे तो आप लोग भी बोल रहे थे कि नीचे नहीं रखा जाता है, तो बोले पापा जी से हम लोग, तो देखो पापा जी लेके आए हैं, बताना कमेंट में कैसा लग रहा है अभी, ठीक है। बाकी देख लो कितना पूजा वाला सामान है वो खरीद के यहाँ पे रखा गया है, और इधर पूरा मूर्ति वगैरह मतलब फोटो वगैरह रखा गया है,
देखो कितना सुंदर लग रहा है। इधर फल वगैरह रखा गया है और इस बर्तन में ना दूध है। और इधर देखो मेरी दीदी खाना खा रही है। दीदी दीदी खा रही है कुछ, मूंगफली खा रही है क्या? पैस पता है इतना ज्यादा थक जाते हैं लोग ना शूट करके आने के बाद, इतना ज्यादा मैं थक जाती हूँ, पूरा फैमिली मेरा थक जाता है। बहुत दूर जाते हैं लोग, बहुत दूर, बार बार ऑटो मतलब बदल बदल के जाना पड़ता है। और इनको तो पूछो ही मत, क्या हुआ था आपको जी? ये उल्टी कर रही थी आज, टेम्पो बहुत ज्यादा लग गया था। बताओ उपवास है ना रक्त, ऐसे तो इनको इतना लगता है ऑटो। और सोचो कुछ खा के नहीं गई थी यार, तो क्या हालत हुई होगी। बहुत ज्यादा दूर है फ्रेंड्स, कभी दूर नहीं है दीदी घर से? क्या 16 किलोमीटर है फ्रेंड्स, बताओ दूर नहीं है? कितना, एक ऑटो, दो ऑटो पकड़ना पड़ता है वहां पर जाने के लिए, उधर से भी दो ऑटो, और 16 किलोमीटर आते 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 हैं लोग, जाते 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 हैं लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अभी खाने। और ये देखो मैंने नारियल पानी भी पिया दीदी, मेरा उसमें का मलाई कब निकलेगा फ्रेंड्स पता है? ये नारियल पानी ना मैं पी हूँ आज, दीदी के लिए खरीद के आया था, लेकिन मैं पी एक वहां पे ये पी ना दीदी। और इनके नारियल पानी में ना इतना मलाई निकला था, इतना ज्यादा, मैं और मम्मी टूट पड़े ऑटो में ही। अब इससे टूट पड़ेंगे घर पे ही। तो फ्रेंड्स अभी जा रही हूँ मैं खाने, खाने के बाद अभी रिहर्सल करना है, बहुत ज्यादा काम है पता है, कल के लिए रिहर्सल भी करना है। और जो मेरा फोन है वो खराब हो चुका है, क्या बताएं, बहुत ज्यादा मुश्किल में अभी चल रही हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन में चल रही हूँ अभी। और सपोर्ट कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा दीजिएगा, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरे पास ना शब्द ही नहीं रहता है कि क्या बोलूँ क्या नहीं। आजकल बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करो फ्रेंड्स, ताकि मेरे पास भी डांस ब्रांड हो जाए और माता रानी करे जल्दी से हो जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी लोगों को ना फेस करना पड़ता है, सच्ची में बोल रही हूँ, बहुत ही हार्ड है पब्लिक प्लेस में ऐसे वीडियोस बनाना, बहुत ही हार्ड, बहुत ज़्यादा ना दीदी, क्योंकि कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं यहाँ पे पब्लिक प्लेस में, कैसे कैसे लोग हैं। आज क्या हुआ ना, कुछ लड़के और लड़कियाँ बैठी थी एक लोकेशन पे, उसी लोकेशन पे जिस लोकेशन पे मैं बनाती हूँ, मतलब एक जगह है घर जैसा, उसी पार्क में है, तो मैं वहीं पे बनाती हूँ जाती हूँ, तो थोड़ा शांत रहता है वहाँ पे। लेकिन वो लोग बैठे थे पहले, उसके बाद उठ के बाहर चले गए, तो हम लोगों ने सोचा कि वो बाहर चला गया सब घूम रहा है, तो चलिए वहाँ पे बैठ के रेडी होके शूट करेंगे। लेकिन तभी क्या हुआ, आके टीसाफन करने लगा सब, क्या हम लोग यहीं पे बैठेंगे, और इतने बड़े बड़े लड़के थे, लड़कियां भी थी, मतलब सब अपने अपने माइंड का है, संस्कार का है, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती, बस इतना समझ लीजिए कि उनके अंदर इतना ज़्यादा ये एटीट्यूड था ना दीदी, बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड था, पैसे का था, किस चीज़ का था, अब वो जाने, हम लोग को तो नहीं पता। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था यार, मैं कहाँ शूट करूँ और रेडी कहाँ होना है। अब पार्क में बहुत सारे लोग होते हैं, सड़क पे भी लोग मतलब आते जाते देख रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कहीं बैठ के मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँ, लेकिन उन्होंने पूरा चौपटी कर दिया मेरा। लेकिन क्या हो रहा एंड में, मैंने तो शूट कर लिया कहीं और, लेकिन एंड में जो पार्क के मालिक हैं वो क्या हो रहा था, इतना चिल्ला रहा था सबना, इतना चिल्ला रहा था कि पार्क के जो मालिक हैं उनको आना पड़ा और बदतमीजी से उन लोग को समझाना पड़ा ना। इसी को बोलते हैं ना कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा, आज मिले कल मिले पर ऐसा ही होना है। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, बताना कमेंट में ब्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं उस दिन क्या होता है, रोज न्यू कुछ ना कुछ हो रहा है। बाय।